नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। ये खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया है आज के डेट में और ये खबर पटना से चल के आ रही है। पंकज कुमार सिंह की तरफ से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं कि जून जुलाई में प्राथमिक स्कूलों के 2.25 लाख शिक्षकों का तबादला। जी हाँ, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका तबादला दूर दूर तक हो गया है और उनको आने जाने में बहुत सी परेशानी हो रही है। और लगभग आप ये डेली लगभग देख ही चुके होंगे कि आज उन शिक्षक का एक्सीडेंट हो गया, कल उनका हो गया, परसों उनका हो गया। ये आए दिन आपको खबर मिलते रहते होंगे, चाहे व्हाट्सएप से, फेसबुक से, टेलीग्राम से, यूट्यूब से या ट्विटर से। कहीं ना कहीं आपको हर एक 4 से 5 दिन के अंदर एक टीचर के जाने की संभावना ये खबर मिल ही जाती होगी। कितना अफसोस लगता होगा, अगर यही नौकरी घर में हो तो शायद ऐसा नौबत ना आए। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई स्कूल के शिक्षकों का तबादला के लिए अभी करना होगा इंतजार। जी हाँ, जो अभी जो होगा प्राथमिक स्कूलों के लिए होगा 1 to 8 के लिए, अभी हाई स्कूल के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। पिछले 2 साल से चल रहा था इंतजार, अब खत्म होगा, जून में प्रक्रिया पूरी होगी। शिक्षकों दिव्यांगों को मिलेगा एच तबादला, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे प्रारंभिक स्कूलों, लगभग 2 लाख शिक्षकों का तबादला का मौका जून और जुलाई में मिलेगा। जी हाँ, 2.25 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनको तबादले का मौका जून जुलाई में देखने को मिल सकता है। हाई स्कूल के शिक्षकों को तबादले के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट अभी तक विभाग की तरफ से नहीं बनाया गया है। अभी जो बातचीत चल रही है, फॉर्मेट चल रहा है ऑनलाइन का, वो चल रहा है 1 to 8 का, यानी कि प्राथमिक का। छठवें चरण के तहत 32,714 शिक्षकों का बहाली का मामला अभी कोर्ट में अटका है। हाई कोर्ट से आदेश मिलने और बहाली के बाद ही इनका तबादला होगा, यानी कि जैसे ही इनका नियुक्ति पत्र मिलता है पहले पटना हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा, डिसीजन आने के बाद फिर इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनके बाद इनका तबादला होगा। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। जो इच्छुक होंगे, जो चाहते हैं कि हम अपना ट्रांसफ़र कहीं और कराएं, किसी और ज़िला में कराएं ताकि उनको राहत मिले, तो वो पहले आवेदन उनको डालना होगा, फिर उस आवेदन पे राय विचार किया जाएगा विभाग की तरफ से कि वहाँ पे जहाँ आपने आवेदन डाला है वहाँ सीट खाली है या नहीं। ऐसा कुछ फॉर्मेट निकाल के विभाग आपको बताएगा, इसके लिए अभी टेंशन आप नहीं लीजिए तो ठीक रहेगा। विभाग का लक्ष्य है कि गर्मी की छुट्टी में ही शिक्षकों के तबादला की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जी हाँ, जैसे ही स्कूलों में समर वैकेशन की छुट्टी मिलती है उस समय आपके तबादले का काम किया जाएगा, यानी कि स्कूल खुलने से पहले आप नए स्कूल में देखने को मिल सकते हैं, ताकि बाद में स्कूलों की पढ़ाई इस कारण बाधित नहीं हो। ये एक तरह से कहिए विभाग का अच्छा सोच है, क्योंकि बाद में अगर होता है तो लेट लेटिव के कारण बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए विभाग ने अच्छा तो क्यों सोचा है कि समर वैकेशन में ही ये सारी व्यवस्था कर लिया जाए। और ये आपको मई में समर वैकेशन 10 से 15 के बीच में छुट्टी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अन्यथा भावनाओं में बह जाइएगा और लाइक करना भूल जाइएगा, तो लाइक जरूर कर लीजिए। सभी डीओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटी वार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे, यानी कि जो
वेब पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें सारा आपका जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार किस सब्जेक्ट में कितना, और कोटिवार किस कैटेगरी के क्या सीटें हैं, वो वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के शिक्षक होंगे उसी कोटि के लिए तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसे रूल के हिसाब से अगर आप जनरल हैं और जनरल में सिलेक्शन हुआ है तो जनरल में ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीसी हैं और जनरल में सिलेक्शन हुआ है तो जनरल में ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर बीसी हैं और बीसी में सिलेक्शन हुआ है तो बीसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी किया जाएगा, इसके लिए टेंशन आप ना लें। निगरानी जाँच में फंसे वैसे शिक्षक तबादला के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जांच में फंसा हुआ है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है, सेवा शर्त के आधार पर लगभग 3 लाख प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षक में से निगरानी जांच में फंसे लगभग 85,000 शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि इन 85,000 शिक्षकों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जांच चल रहा है, इस कारण इनको नहीं मिलेगा। शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा। जी हां, प्राथमिकता रहेगी महिलाओं को और जो दिव्यांग शिक्षक है उनको सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, और उनको ऐच्छिक यानी कि उनको जहां मन होगा वहां वो ऐच्छिक ले सकते हैं, जबकि पुरुष को ऐसा नहीं रहेगा। पुरुषों को क्या रहेगा, जो पुरुष शिक्षक होंगे उनको अंतर जिला तबादला अंडर म्यूचुअल आधार पर होगा, यानी कि अगर कोई टीचर आपसे शिक्षक अगर कोई गया के हैं और नालंदा का गया में सिलेक्शन हो गया है और गया का नालंदा में सिलेक्शन हो गया है तो इस तरह से आप दोनों में आपस अंतर जिला कर सकते हैं। अंतर नियोजन स्थानांतरण के अधिकतम के लिए 3 विकल्प दे सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक इसी कोटे में आवेदन कर सकेंगे। मानिए शिक्षा मंत्री जी का क्या स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जून में प्रक्रिया पूरी होगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, यानी कि हर हाल में जून में आपको ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जून में शिक्षकों का तबादला हो जाए। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाए। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से तबादला प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। विजय कुमार चौधरी, माननीय शिक्षा मंत्री। यानी कि जैसे ही इसका सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो जाता है वैसे ही फिर आपसे आवेदन लेने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, उस पर रिक्तियाँ डाली जाएगी विद्यालयवार, कोटिवार, जिलावार, और उसके बाद आपसे फॉर्म लिया जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा विभाग की तरफ से तो वो अपडेट भी हम आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।